ने इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ से दिल्ली में खास बातचीत की। चंद्रयान 3 की सफलता अब सबकी जबान पर है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने आकर भारत को सराहा है और कहा है कैसे आपने ये चमत्कार कर दिया, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेरे साथ है इसरो के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नासा से ये बात निकल कर आती है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। हमारे डिजाइन को उन्होंने, वे जो लोग नासा से आए वे अप्रिशिएट किए, उसमें हमारे ये खुशी की बात है कि हमारा डिजाइन तो बहुत अच्छा है। ये कुछ कम एक्सपेंडिचर में कम कर सके भारत में ही, उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिटी भी अच्छा है। सो इसके उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अगला ये डेवलप भारत में करे तो कुछ कम कुछ एक्सपेंडिचर में हमको ये डेवलप कर सकूंगा। ये क्या आप ये यूएस को नहीं देते, ये ऐसा एक क्वेश्चन किया। ये तो जोवियल क्वेश्चन है। तो आपको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। मुझे यही बताना चाहता हूं कि हमारा टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। सर, अगर एक लेमेंस लैंग्वेज में हम बात करें तो किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरह से लोग इस बात को समझेंगे? एक जो फंक्शनैलिटी है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में हमारा फंक्शनैलिटी अच्छा है, उस मीट ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उसका कॉस्ट है तो आधा है और 1/10 है, तो हम कब बोलते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल, चंद्रयान के बाद अब गगनयान हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? गगनयान की तैयारी हो रही है, हमारा पहला टेस्ट है, इसका टेस्ट व्हीकल D1 क्रू अबोर्ट टेस्ट के नाम दिया है, उसका लॉन्च होगा ये 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से। आप तैयार रहिए, चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD News दिल्ली।